दो साल बीत गए लेकिन छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की सीधी भर्ती में चयनित शिक्षकों की अब तक ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। नतीजा जहां शिक्षक का हताश है वहीं आक्रोश भी बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के हजारों युवाओं में उस समय खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी जब 2019 में राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती 2019 को लेकर विज्ञापन जारी किया था। 14,580 पदों को लेकर विज्ञापन जारी हुआ। हजारों अभ्यर्थियों ने भाग लिया, परीक्षा भी हुई और परिणाम भी आया। साथ ही चयनित शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन भी हुआ लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी गई। इधर जनवरी 2020 में हुए पहले सत्यापन को सरकार ने शून्य घोषित कर दिया। नवंबर 2020 में फिर सत्यापन का सिलसिला शुरू हुआ और मार्च 2021 तक चला। नवंबर 2020 में फिर सत्यापन का सिलसिला शुरू हुआ और मार्च 2021 तक चला, बावजूद इसके मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब चयनित सभी शिक्षक परेशान हैं कि करें तो क्या करें। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रताड़ित सहायक शिक्षक का अभ्यर्थी हूँ। मैं शासन की दोषपूर्ण एवं भेदभावपूर्ण नीति का भी उल्लेख करना चाहूँगा कि एक तरफ अंग्रेजी माध्यम में हो रही भर्ती तो लगभग महीने दो महीने में ही पूर्ण हो जा रही है और उनकी नियुक्तियाँ भी हो जा रही है, पर दो वर्ष कंप्लीट होने के बावजूद भी हमें नियुक्ति नहीं दे पाई है। भर्ती नहीं हुआ शिक्षक सहायक शिक्षक का। हम लोग बहुत परेशान हैं और सरकार हमें बार बार मजबूर कर देती है उग्र होने के लिए, तो हम सरकार से विनती करते हैं कि भाई हमको नियुक्ति दीजिए। सत्यापन के बाद विभाग ने चयनित शिक्षकों को प्राविधिक नियुक्ति पत्र तो दिया गया, वहीं एक लाइन में यह भी कह दिया गया कि जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने भी सरकार पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार कोरोना संक्रमण के समय एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ में बुरा बर्ताव कर रही है और छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ में एक विश्वासघात कर रही है। उन लगभग 11 से 12 हजार शिक्षक जिनकी पोस्टिंग आज तक नहीं हुई है, दो दो तीन तीन बार सत्यापन होने के बावजूद भी उनको तत्काल नियुक्ति प्रदान करें ताकि वो शिक्षा के काम पे अपने को संलग्न कर सके, ऑनलाइन के माध्यम से या फिजिकल या अन्य काम जिसको सरकार जिनको उनका उपयोग करना चाहती है उन कामों में लगे, ये हमारी स्पष्ट मांग। प्रदेश में बेरोजगारी का आलम किसी से छुपा नहीं है, ऐसे में ये चयनित शिक्षक ना तो अब बेरोजगार कहला पा रहे हैं और ना ही इन्हें नियुक्ति दी गई है। दो साल से अधिक समय निकलने के बाद चयनित शिक्षकों में अब निराशा बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार 2019 शिक्षक भर्ती परीक्षा को पूरा करने में और कितना समय लगाती है। अवधेश मिश्रा, न्यूज 18, छत्तीसगढ़, रायपुर।